गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एसपी सर आप लोगों को लेसन सिक्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये ठीक है, पेज आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 48। तो फैक्टर एंड मल्टीपल, इसमें का जो पहला क्वेश्चन होगा 6.1 एक्सरसाइज नंबर का, इसमें बोल रहा है कि राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स आप, यानी इसका प्रथम पांच मल्टीपल लिखना है, यानी स्टार्टिंग से पांच मल्टीपल्स लिखना है सभी नंबर्स का। तो मल्टीपल्स, यू नो मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई, जस्ट यू टेबल या लर्न करते हैं, तो लाइक दैट, ये बिल्कुल टेबल ही है, मल्टीपल बिल्कुल टेबल ही है। जैसे पेज नंबर 49 पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे राइट फर्स्ट सिक्स मल्टीपल, यानी शुरुआत से लेकर के फर्स्ट से लेकर के सिक्स मल्टीपल, यानी सिक्स टाइम टेबल उसका लिखना है। तो इनको इन्होंने देखिए सोल्यूशन निकाला है कि मल्टीपल्स आप फोर इंटू वन, फोर इंटू टू, फोर इंटू थ्री, यानी थ्री टाइम हो गया, फोर इंटू फोर, फोर टाइम, फोर इंटू फाइव, फाइव टाइम, फोर इंटू सिक्स, सिक्स टाइम, यानी इन्होंने सिक्स कहा है तो सिक्स टाइम हो गया। तो फोर वन जा फोर होता है, ये हो गया जी, इतना आप जानते ही अच्छे से जानते हैं, ये आ गया। तो ये फर्स्ट सिक्स मल्टीपल हो गया। इसी की तर्ज पे हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे इसका हल करेंगे। ये कह रहे हैं कि राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स आप, तो एक्सरसाइज 6.1 क्लास फोर मैथ, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन का पहला यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स, यानी पांच मल्टीपल लिखना है, यानी पांच टाइम टेबल पढ़ना है। तो इसका हम पहला जब देखेंगे, तो अभी मैंने एग्जांपल समझाया, तो 11 ऐसे हो जाएगा पॉइंट, फिर 11 टू, फिर 11 मल्टीप्लाई थ्री, फिर 11 मल्टीप्लाई फोर, फिर कॉमा 11 मल्टीप्लाई फाइव। क्यों हमने फाइव किया? क्योंकि फाइव टाइम पूछ रहा है, पांच ही बार पूछ रहा है, फर्स्ट से लेकर के फाइव तक पूछ रहा है। तो मैंने फर्स्ट शुरू किया और फाइव तक गया, तो 11 बन जाए, 11 हो जाएगा, ये हो गया 22, 33, 44 एंड 55। तो इसको हम कहेंगे कि फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स आर, लिख देंगे कि फर्स्ट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स आर लिख करके ऐसे इक्वल करके ये लिख देंगे, ये पूरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा आपको करना है, यानी टेबल है, बिल्कुल टेबल है, ऐसे ही आप इसको करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके करते चलाएंगे, यानी वन से पहले इस नंबर में वन का, फिर टू का, फिर थ्री का, फिर फोर का, फिर फाइव का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, जो आंसर आएगा दैट इज फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ द पॉइंट, ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर टू बताने जा रहा हूँ, प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकालना है बाय ट्री मेथड से। तो ये हम देखेंगे पेज नंबर 55 पर, ये वही विधि है, ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक है, तो प्राइम जो फैक्टर होते हैं, यहाँ पे देखती है 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ही प्राइम फैक्टर होते हैं, और इन्हीं से हम जो है फैक्टर को निकालेंगे। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ पर कॉपी में देखिए, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर टू का पहला क्वेश्चन फाइंड करना है प्राइम फैक्टर को निकालना है बाय ट्री मेथड, ये निकालना है। अब देखिए नंबर है, पहला नंबर है इसका क्वेश्चन का 15 है, तो 15 को हम ट्री मेथड में करेंगे, तो ये 3, 5 जा 15 होता है, इसके बाद ख़त्म। अब ये क्या हो जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं कि 15 इक्वल टू इसका जो फैक्टर है 3 और 5, ये हो गया। अब ऐसे ही यहाँ तक आप ये पूरा निकालेंगे, ये हो गया। अब दूसरा देखिए बता रहे हैं, सॉरी तीसरा बता रहे हैं, तीसरा का पहला,
अब यहाँ भी थर्ड का पहला बता रहे हैं, यहाँ भी फाइंड करना है प्राइम फैक्टर को ही निकालना है, प्राइम फैक्टर को ही निकालना है बाई डिवीजन मेथड, बाई डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से निकालना है, ये यहाँ पे लिखा है डिवीजन मेथड से निकालना है। तो डिवीजन मेथड यहाँ पेज नंबर 56 पर देखेंगे तो ये डिवीजन मेथड पूरा है, यहाँ पे दिखेगा अच्छे से, और करीब से देख लीजिए ये दिखेगा, आप लोग बुक ओपन करेंगे तो अच्छे से दिखेगा ये। तो हम कॉपी पे आते हैं, पहला क्वेश्चन है 38, ठीक है। अब इसको हम डिवीजन मेथड में बनाएंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे 38। तो हम देखते हैं 2 से देखते हैं, 2 1 2 और यहाँ 1 बचा, और 8 यानी 18, 2 9 18। अब हम देखते हैं 19 तो किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो 19 1 19। इसका मतलब ये डिवीजन मेथड से हुआ कि 2 into 19 ये हो गया ऐसे, यानी 38 = 2 into 19 ये हो गया डिवीजन मेथड के द्वारा। तो ऐसे ही ये यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।